हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मूली की रेसिपी शेयर करूंगी। ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अलग है और बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरीके से, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो इस रेसिपी के लिए पूरा वीडियो देखें बिना स्किप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूली की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो मूली ली है, इन्हें मैंने धो लिया है और छील लिया है और इनके पत्ते अलग कर दिए हैं। अब हम इनके छोटे छोटे पीसेस करेंगे, तो मैं इन्हें एक एक इंच की दूरी पर काट के ले रही हूँ। आप अपनी पसंद से छोटे बड़े टुकड़े काट सकते हैं और इस तरह बीच में से काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी मूली काट ली है। और अब हम एक फोक ले लेंगे और फोक की हेल्प से इसको गोद लेंगे। तो सारी मूलियों को हम ऐसे ही गोद लेंगे। इस तरह करने से मूली जो जल्दी गल जाएगी और मसाले अंदर तक चले जाएंगे और खाने में बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगेगी। तो अब हम इसमें एक चम्मच लहसुन मिर्च का पेस्ट डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच बेसन डालेंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे, मैंने इसे तवे पर भून कर क्रश करके डाला है। और अब इसमें थोड़ी सी दही डालेंगे, तो दो चम्मच के लगभग इसमें मैंने दही डाली है। और दही के जगह आप आमचूर पाउडर का यूज कर सकते हैं। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और ये लीजिए, मैंने अच्छी तरह से मसाले मिक्स कर लिए हैं और 10 मिनट इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और ये मैंने मूली के पत्ते धोकर काट लिए हैं बारीक, इन्हें भी हम सब्जी में यूज करेंगे। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें एक चम्मच साबुत धनिया डालेंगे और एक चम्मच सरसों डालेंगे और एक चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे और 8-7 काली मिर्च डालेंगे साबुत, और थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है, ये देखिए दरदरा सा पीसा है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो गैस को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म कर लिया है। और अब इसमें थोड़ी सी हींग डाली है मैंने, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और इन्हें थोड़ी देर चटकने देंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, अब हम इसमें ये पेस्ट जो हमने बनाया है ये पेस्ट डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो मिला ले इसे, कुछ देर मसालों को भूनेंगे और गैस का फ्लेम कम कर देंगे ताकि मसाले जले ना, तो पैन को कवर कर दे। और ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है। एक बार इसे चला ले, मसाले को हम जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मूली डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, इसे भी डाल देंगे, 2 हरी मिर्च डालेंगे और आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी यूज किया था तो अपने हिसाब से डालें। और अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मूली में अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो 2 से 3 मिनट मूली को मसाले के साथ भून लेंगे। तो अब हम इसे ढक देंगे, गैस का फ्लेम कम रखेंगे और 2 से 3 मिनट भुनने देंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और तेल भी अलग हो गया है सब्जी से। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, तो एक बार इसे चला ले और चलाने के बाद इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। पानी को सब्जी में मिक्स कर ले। और अब हम कटे हुए पत्ते डालेंगे मूली के, इन्हें भी डाल देंगे और ढककर इन्हें पकाएंगे। और ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और पत्ते भी सॉफ्ट हो गए हैं, मिला ले एक बार इसे। अभी ये पूरी तरह कुक नहीं हुई है, 50% कुक हुई है, तो मिक्स करने के बाद फिर से हम इसे पकाएंगे। तो पैन को कवर कर दिया है और फिर से पकने देंगे। तो टोटल 7 से 8 मिनट हो गए हैं, बीच में मैंने 1-2 बार चेक कर लिया था, फिर से चेक करेंगे तो सब्जी लगभग पक चुकी है। एक बार चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं एक मूली ले लूँगी और इस तरह से काट कर देख लेंगे, चाकू या फिर किसी कांटे की हेल्प से इस तरह काट कर देख लेंगे। ये सॉफ्टली कट हो गया है, तो सब्जी पूरी तरह कुक हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, सब्जी बिल्कुल तैयार है। और इस सब्जी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए तो तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है और इसमें 1 चम्मच सरसों डाली है
और इसके साथ ही थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा सब्ज़ी में। तो ये तड़का हो गया तैयार, इसको हम सब्ज़ी में डाल देंगे। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये लीजिए सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे गर्मा गर्म रोटी पूरी पराठा चावल के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। अगर आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। इस सब्जी को बिना प्याज बिना टमाटर के बनाया है, बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनके तैयार हुई है। लीजिए इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।